तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जिस तरह से चाइना में एक काफी बड़ा कोल शॉर्टेज हमें देखने मिला था, तो सेम वही सिचुएशन भारत भी अब फेस कर रहा है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया है कि 6 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि 80% जो भी इंडिया के 135 कोल पावर्ड प्लांट्स है, यहाँ पर तो 8 दिन से भी कम की सप्लाई अभी फिलहाल बची है। सो ये एक काफी गंभीर सिचुएशन है, काफी अलर्ट वाली सिचुएशन है जो भारत अभी फेस कर रहा है, और अगर वक्त रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो डेफिनेटली हमारे मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, ऐसे तमाम सारे इंडस्ट्री काफी मेजरली अफेक्ट होंगे, और वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ इंडिया की इकोनॉमी कोविड के बाद से तेजी से बूस्ट होती जा रही है, और अभी तो भारत के काफी सारे फेस्टिवल सीजन भी आने वाले हैं। ऐसे समय में भारत, जो कि मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल पर ही निर्भर है ज्यादातर, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में भारत सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है कोल का, और दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व भारत में मौजूद है। सो अगर वक्त रहते यहाँ पर एक रिलायबल सोल्यूशन हमने नहीं निकाला तो डेफिनेटली हमें एक काफी बड़ा लॉस उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बट आई थिंक वो मौका नहीं आएगा, बिकॉज अब ये जो भी पावर शॉर्टेज का मामला है, इसका बेड़ा भारतीय रेलवे ने अब उठा लिया है। बेसिकली अब यहाँ पर रेलवे को सीधा सीधा आदेश दे दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी रेक्स को मल्टीप्लाई करे, बढ़ाए, ताकि हम अपने फ्यूल को पावर स्टेशन तक पहुंचा जा सके, वो भी ज्यादा क्वांटिटीज में। इसके अलावा काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स के भी बारे में यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ कोल एंड पावर मिनिस्टर ने एक डिटेल प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन किया है टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कि किस तरह से हम ये मेजर करके ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन से बच सकते हैं और इसे पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सो भारत की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एजेंसीज भी इसमें लगी हुई है। कोल इंडिया ने भी यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वो अपने सप्लाई को काफी तेजी से अब बढ़ा रहे हैं टू 1.9 मिलियन टन्स और उससे भी ज्यादा, और फर्दर अब ये 2 मिलियन टन्स पर डे के आंकड़े को भी क्रॉस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक तक। सो होपफुली ये सभी मेजर्स जो अब भारत ले रहा है काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, ब्लैकआउट से हमें बचा सकते हैं, और रेलवे ने भी अब ये जो प्रायोरिटाइज कर दिया है फ्यूल सप्लाई को सबसे पहले टू पावर प्लांट, तो ये भी एक काफी आसान बना देगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। इसके रिलेटेड और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप जरूर डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स की लिंक चेकआउट करें।